हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक प्राइवेट में मिल जाएगा टेक्निकल लवली मनी चैनल का। तो आज हम ब्लॉग शूट करने वाले हैं, दो मतलब कि डे टू, ठीक है। मतलब कि ये तो पता नहीं कौन सा डे है। तो अभी हम अंडे लेने आए हूँ, मैं अंडे लेने आया हूँ कच्चे, मतलब कि ट्रे जहाँ से उठाता हूँ मैं, खान से, यहीं से, इसके पास ही हम अंडे खाते थे। तो अभी लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में, हम घर पर उबाल के खाते हैं। तो ये स्विमिंग पूल आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप बैक कैमरे से। अभी यहाँ पे ये सिस्टम है, ठीक है, वो खाली है, ठीक है। उसमें छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, इसमें बड़ों को सिखाया जाता है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, इसकी सफाई सफूई सारा कुछ कर दिया था, तो फिर पता चला कोरोना का सीन है तो इसको नहीं भरा। तो हाँ, और अभी जो अंडे लेने आया मैं और मनीष आए हुए हैं, मनीष इधर उधर घूम रहा है। तो मैं आपको स्टेडियम दिखाना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो गया है। तो अभी मैं ये हाथ से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। सिंथेटिक मैट बिछा हुआ है, ये बोला ना, सिंथेटिक मैट बिछा हुआ है। तो जहाँ सारी ऑलमोस्ट गेम में आ जाएंगी, ठीक है, जैसे कि ये जिम है, ये जुडो है, जुडो हॉल है, ठीक है। और जो बॉक्सिंग होती है, जो मैंने बॉक्सिंग होती है ना, बॉक्सिंग कौन सी मूवी थी वो रही, बॉक्सिंग, ठीक है। इसके परली साइड है वॉलीबॉल और टेबल टेनिस, नहीं रैकेट, रैकेट बैडमिंटन, वो बैडमिंटन हॉल है, ये वाला देख रहे हो, ये बैडमिंटन हॉल है, ठीक है। तो अभी इसका थोड़ा काम चल भी रहा है, बीच में घास होगी, फुटबॉल ग्राउंड बनेगी। तो ये है अपनी स्विमिंग पूल स्टेडियम, मतलब लगभग जहाँ सारी है गेमें। तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मुझे कुरुक्षेत्र शहर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नशा नहीं है, नशा बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल नहीं मतलब कह नहीं सकते, पर ज़्यादा नशा नहीं है यहाँ पे, कोई ठेका नहीं है कुरुक्षेत्र में। आसपास तो है, जैसे पिपली हो गया या फिर और अलग अलग जगह पर हो गया, पर यहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बच्चा नॉर्मल भी है ना, तो गलत संगत में जाने के चांसेस उसके बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे पंजाब में बहुत नशा है, वहाँ देखोगे आप छोटे से छोटा बच्चा बीड़ी सिगरेट फूंक रहा होता है, ठीक है ना। मैं तो पंजाब से हूँ, मेरे से ज़्यादा बढ़िया कौन जान सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैं आम भी लग रखे हैं बड़े बड़े, मैं आम की चटनी खाता हूँ। ये खान खान, ये देखो खान, इसके पास मैं अंडे लेके जाता हूँ। देखो अंडे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, देखो इसने भी अंडे जैसा, इसने भी अंडे जैसा सिर कर रखा है खाने भी। देखो इसने अपना तो कर रखा है, साथ के साथ सबका कर रखा है। कहाँ गया ये देखिए, ये छोटा अंडा, ठीक है, और ये उससे छोटा अंडा है, इसने सिर कर रखा है अंडे जैसा। इसको मैंने बोला व्लॉग में आ जा, कहता नहीं आना मैंने, हैं व्लॉग में तो आ गया, हेलमेट लगा के बैठा हुआ है। ये देखो इधर भिंडी लगी हुई है, खूब सारी भिंडी लगी हुई है, ठीक है ना। अभी देख लो यहाँ इतने आम लगे हुए हैं, पर अगर ये स्विमिंग का सीज़न होता तो यहाँ एक आम नहीं देखने को मिलता, पर इस बार सीज़न में हम आम ही आम खाएंगे, बेहिसाब आम खाएंगे, बहुत सारे आम खाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, हम ही हैं। तो यही सीन है। तो अब हम चलते हैं घर, आम है जिसमें से आधे मैं ले जाऊँगा, आधा मनीष ले जाएगा। और ये मेरा हेलमेट, ये अंडे आ गए अपने, तो अंडे ऊपर वाली दो ट्रे हम मनीष को दे देंगे, नीचे वाली साफ़ सुथरी हम रख लेंगे। ये भाई साहब का, भाई साहब देखे क्या, भाई साहब, मैं भाई साहब दिखा, भाई साहब दिखाने के लिए ये तो हमेशा तैयार है, चाहे भाई साहब हो ना, मतलब मेरा भाई साहब। ओए मेरी टी शर्ट उतते करो, खौफ अब बड़ा कर, ए ए दिख 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 दिख, लग रहा ना छोटा सा, घबरू थे बार, इधर आ इधर आ रोशनी में, मनीष इधर आ भाई साहब, मैं हम मतलब कि हेयर फेयर नहीं करना चाहते, इधर आए, ऊपर कर दे, देखो मेरा भाई साहब छुप जाता है, बल्कि टाइट है ना। तो एक हाथ में मेरा मोबाइल है, तो एक हाथ में, तो भाई साहब दिखाया जाए, मनीष दिखा, मतलब देख रोना नहीं है, रोना नहीं है तुम, मतलब किसका भाई साहब बड़ा है, मतलब कि अच्छा चल चल तू आगे आ जा, तू फोन पकड़ ले। ओके तो फ्रेंड्स अभी पैसों का लेन देन चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 200 कर देना, बैंक में चले जाएंगे, एक 200 रुपये बैंक में जाएंगे। तो उठा खाने, इसको रखना, इसको आधी अम्बी निकाल ले, निकाल ले अम्बी निकाल लो, ओए आधी अम्बी ले ले, स्कूटरी के आगे डाल दे। तो अभी यहाँ से निकाल के अपने आगे डाल लेना। तो अंडे अब चले गए, और मैंने मुँह पे मास्क भी डालना था, वो जो ऐसे ही पड़ा है। तो अब मैं फ्रेंड्स मुँह पे मास्क डालूंगा, शोर शराब चल रहा है, अभी पीछे शोर लगा लेंगे हम, चल 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 आराम।
तो फ्रेंड्स कर दिए ना, ओके बंद कर दिया, कहता बंद कर दिया, कैमरा चल रहा है मेरा जी, अंडे रख दिए। अभी हमें इसको क्या करेंगे, पानी मनीष एक सेकंड पकड़ना, कहाँ गया प्यारा है। और हम घर आ गए हैं और ये देख सकते हो, और इसको पता नहीं ये क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था इसको, कैरी, इसको कैरी बोल रहा था, हम कच्चे आम बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कैरी। तो आज ही पता चला ये शख्स का, ये भैया कैसे कैसे नहीं, ये उधर उधर को, उधर को घुमाना, ये कैसे कैसे, ओ माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये ना इतनी टाइट हो नहीं रही थी, जबरदस्ती जो दिल में आए वो जबरदस्ती, ओके मी टू। तो अभी वो जा रहे हैं और वो जा रहा है, अब पता चलेगा उसको 100 की स्पीड पे चलाने का मतलब, ओए आगे कुछ पड़ा है। तो अब हम घर पहुँच गए और कुत्ते भी हमारे पीछे घूम रहे हैं, कुत्ते हमारे पीछे घूम रहे थे, और हम कैरी ले आए हैं, कैरी अंडे भी उठाने हैं। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर जाके ये रखने हैं। तो आम को रखता हूँ इस वीडियो में, मेरे ना ये उंगली ना भिंगी सी हो रखी है, देख रहे हो ये सीधी नहीं हो रही, चोट लगी है, ये लेमिनेशन का अभी भी टुकड़ा लगा हुआ है, मतलब मैं अभी दुकान से आ रहा हूँ ना, तो आज मैंने सुबह से शूट नहीं किया, मैंने शाम से शूट किया है, और शाम से देखते हैं कब तक शूट करते हैं, ठीक है। और अब कमेंट आएंगे कि आपने पॉलीथिन मुंह में डाला, उंगली मुंह में डाली, भाई ये सारा वॉश है, मतलब कि जो पॉलीथिन लगाया था मैंने एकदम फ्रेश लगाया था और खुद ही लगाया था। तो अब ऊपर जाएंगे, सीन है कुछ ऐसा, थोड़ा सा काम कर लिया, अभी मेरा काम हो रहा है, अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं और मैं अपना बिस्तर पुस्तर सवार लूँ, वहाँ सफाई कर लूँ थोड़ी सी। मैं सुबह जल्दबाजी थी, आज शॉप खोलनी थी, तो शॉप के चक्कर में मैं ऐसे सब कुछ छोड़ के चला गया था। तो अभी मैंने मटका भर के रख दिया है और ये शाम तक पानी इसका ठंडा होगा, मतलब 10 बजे तक इसका पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और ये मैं इसलिए मतलब कि 3 या 4 दिन के बाद इसको धूप लगाता हूँ, ताँ जो पानी की वजह से सारा मटका सिल्ला सा हो जाता है, और जिसके कारण इसमें पानी नीचे आने लग जाता है, मतलब कि टिप टिप बूंद करने लग जाती है कि नीचे से, मतलब कि हल्का सा होता है ना, जब बहुत ज़्यादा गीला रहता है पानी रहता है 24 घंटे भरा उसमें। तो अब ये भर दिया, बाद में इसमें पानी एकदम ठंडा नॉर्मल, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो आप अभी ये करके देखना, और आके ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज का ब्लॉग हाफ से शुरू किया था और ये शाम तक जो मेरा बेस्ट वेदर होता है वहाँ तक रहेगा, उसके बाद बस क्लोज। ब्लॉगिंग में मुझे ABC नहीं आती, मुझे ब्लॉगिंग ही क्या है, तो बस सीन है, ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया मैंने, और बस
तो फ्रेंड्स अभी मैंने सारा काम कर लिया, अपना बिस्तर वस्तर सारा सवार लिया, अब मैं आ गया छत पे, छत पे सैर कर रहा हूँ। और छत पे चिंटू एक्सरसाइज कर रहा है और दिया अपना खेल रही है। ऐसे वाले मैं सैर करता हूँ, बल्कि मेरा ये सैर का टाइम रहता है शॉप पे आके। आज शॉप खुली है जैसे जिस दिन नहीं खुली होती, और ऐसे के इसका मैं बल्कि फ़ोटो खींचता हूँ। अरे फोकस कर ले भाई, अरे शायद ये वीडियो में फोकस नहीं कर पा रहा, नहीं तो ऐसे की फ़ोटो खींच लेता हूँ, ऐसे वेदर की फ़ोटो खींच के मौसम की, और मैं अपलोड कर देता हूँ अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, ठीक है। और सीन कुछ ऐसा है, बस ये पता नहीं किसका है, किसका कहाँ रखा है, ठीक है। अब मैं ना देखो ऊपर ऊपर करने जा रहा, देखो ये देखो क्या कर रहे हो, खेलो खेलो खेलो। ऐसे वाले सारे मतलब घूमते हैं छतों पे, और सारे छत पे घूमते हैं, और शाम को ऐसे वाले हवा भी आती है, पतंग भी चढ़ रहा है, वो पतंग चढ़ रहा है, ठीक है ना। ऐसे लगा वेदर मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे फ़ोटो खींचता हूँ, कभी मैं इस एंगल से खींचता हूँ, कभी दूसरे एंगल से खींचता हूँ, जैसे कि मैंने अभी ये, और पीछे का कैमरा ना थोड़ा उसका हो रखा है, मैं उसको टी शर्ट से साफ़ करूँगा, और साफ़ करके उसको टी शर्ट से साफ़ करके फिर बैक कैमरा हूँ। अभी ये देख सकते हो, अभी जैसे मैंने ये वाला एंगल ले लिया ना, ए ए एक ये शॉट ले लिया, ये वाला शॉट लेने के बाद, ठीक है, अब ये वाले एंगल से शॉट लूँगा, ये आप चेक कर सकते हो, ए मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल से शॉट ले लिया, और ये मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड, ये चिंटू एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। और दिक्कत क्या है, ये एक्सरसाइज करते करते हाथ ढीले कर देता है, ठीक है ना। हाँ बोल, था देखो ये ना, ये सिर्फ कैमरे के अंदर बोलने की वजह से और आने की वजह से ये मुझे सूर्य दिखाने लग जाती है, जैसे रोज मैं सूर्य नहीं देखता। ये परिकांड है, सुबह सुबह आ जाती है मेरे पास और आ जाती है। अब ये रोक के चली गई, अब ये पता क्या दिखाएगी, आपको दिखाएगी ये इसके आयरन मैन, और बोलेगी ताकतवर कौन है, ये हमारा ड्रम उसको घेर दिया, ये ड्रम मार के इसने उसको घेर दिया, ठीक है। ये कांटो अपना खेल रही है, चिंटू सैर कर रहा है, चिंटू की मम्मा भी सैर कर रही है, और मैं यहाँ से मतलब कि इस कोने से लेके, जैसे ये तार देख सकते हो, तार का सही एंगल देख सकते हो, ये तार की सीधे देख रहे हो, तार के इस साइड में मैं ऐसे सीधा जाता हूँ और सीधा आता हूँ, और ये मेरा रहता है, ठीक है ना। दिख रहा नहीं है इनको कुछ, इन्होंने पट्टी बांध दिया पीछे, अब ये चल रहे हैं तो एक ना छोट बढ़िया सा ले लेते हैं, और शाम का वेदर मर के अभी आज आज का ब्लॉग मुझे नहीं पता कैसा बना होगा, क्योंकि ये मैंने शॉप पे फ्री होने के बाद बनाना स्टार्ट किया था, और इसकी इसकी सहेली आ गई कांटो की, अभी देखना कांटो 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 तेरी सहेली आ गई, ये कांटो की सहेली आ गई, ये ना इसके साथ खेलती, वो बीच में जो लड़की खड़ी चोटी, ये छोटी सी, ये प्यारी सी जी, छोटी सी लड़की खड़ी है ना, इसके साथ खेलती है अभी अभी ये, ओ अभी ये उनके साथ खेलेगी, और अभी ये इसके साथ खेल रही है, अभी ये उनके साथ खेल रही है, अभी थोड़ी देर उनके साथ खेलने चली जाएगी, और जो जो छोटी लड़की है वो ज़्यादा छोटी है, वो इसके हिसाब से नहीं खेलती, फिर ये उसके भाई के साथ गंजे के साथ खेल लेती है, फिर इन दोनों के आपस में लगती रहती है, हैं कि मैं अब ये करूँगी, मैं अब वो करूँगी, फिर ये दोनों यानी आपस में बातें करने के खेलने लग जाते हैं। ये अब इनकी बातचीत, जाओ कांटो ये भी ले जाओ, इनके साथ खेलो उधर जाके, इसके साथ नहीं टूटेंगे, फिर जुड़ जाएंगे, वो देखो वो कह रही मैं बुलाऊंगी नहीं, फिर वो भाग गई, कहती मैं बुलाऊंगी नहीं वो, हैं इसको भी ले जाओ साथ में, ले जाओ कोई बात नहीं, नहीं गुम करेंगे, जब तुम आओगे तो ध्यान रखना, फिर आ जाना, जाओ जाओ। ओए 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 कैमरा घूम गया, मेरा ट्राईपोड का ना दरअसल की जो नट है वो थोड़ा बड़ा है, और वो थोड़ा बड़ा है तो ये ऐसे घूम जाता है, ऐसे जैसे अभी थोड़ा नीचे चला गया था ना, और ऐसे वाले का सीन क्या है, गली का सीन क्या है आप? ये थोड़ी देर बाद बस भैया मैंने खेल लिया आ जाएगी, और बैक साइड का कितना बैटर वेदर है, क्यों समय इसकी
ये देखो अभी मैंने जो आपको वेदर दिखाया मैंने इसकी शॉट भी ले ली है, और ये अभी मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करोगे इंस्टाग्राम आईडी पे पहुंचोगे और वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में वैसे चलाता नहीं, मैं बहुत जैसे कोई लेटेस्ट वीडियो आती है वो अपलोड करता हूँ, या फिर ये फोटो हो या फिर पिज्जे पुजे जब बनाता हूँ या कुछ खाने के लिए बनाता हूँ वो अभी ब्लॉग के अंदर ना मैं वो शूट करूँगा, जो मैं पिज़्ज़ा पुजा बनाऊँगा ना वो सारा शूट करके दिखाऊँगा कि मैं पिज़्ज़ा कैसे बनाता हूँ, उसकी रेसिपी भी आ जाएगी ब्लॉग के अंदर। और जो स्विमिंग प्लेयर रहता है वो एक बार खा सकते हैं, महीने में एक बार पिज़्ज़ा खा सकते हैं, और बस यही है। और अभी वो खेल रहे हैं तो खेलते हुए काफ़ी अच्छा लगता है, शाम को हम सैर भी करते हैं, ठीक है। और आज मंगलवार है तो आज अंडे नहीं खाने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये मना करते कि मंगलवार नहीं खाने तो नहीं खाने, ना खाओ ना मंगलवार, काफ़ी जने नहीं खाते, बहम होता है बहम। मैं कई बार पता क्या सोचता हूँ, अच्छा यहाँ तो सोमवार है आज, ठीक है मंगलवार है, पर अमेरिका में तो आज बुधवार है, दिन एक ही है बस, पृथ्वी अगर घूम जाएगी तो मंगलवार चेंज हो जाएगा, अगर वो ऐसे रहेगी तो मंगलवार है, मतलब ये लॉजिक सा मेरे हिसाब से ये लॉजिक नहीं बनता, कुछ लॉजिक नहीं बनता। जो खाते हैं वो भी ऐसे जीते जैसे हम जी रहे हैं, जो नहीं खाते वो भी ऐसे जीते जैसे जी रहे हैं, बस तो बस आज का व्लॉग भी ना करते 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 बहुत लंबा हो गया, मतलब कि ये कट्टो काट नहीं था 15-20 मिनट का हो ही गया होना है। मैं कोशिश की थी कि शाम को 5 बजे तो बाद ब्लॉग होना वहाँ ता जो ब्लॉग लंबा ना हो। जब मैं खान के पास पहुंचा था तब आई थिंक 5:30 बजे होंगे, और अब ये 7 के आस 6:30 के आसपास हो जाऊँगा, टाइम क्या हुआ है अभी 7 बज गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको एडिटिंग करूँगा, ये 9:30 बजे तक आपको मिलेगा। और हाँ एक चीज़ और पूछनी थी, टिकटॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने डिलीट कर दिया, मुझे नहीं, एक तो उसमें मतलब कि डिमोटिवेट बड़ा होता हूँ, दूसरी बात कि उसमें ना चाइना का बहुत लंबे चौड़े हाथ है, तो ना दिल सा नहीं मानता। अभी जो चाइना ने किट सप्लाई की है उसमें भी घपला, नकली किट सप्लाई कर दी, जो जो जिसको कोरोना नहीं है उसका भी दिखा रहा है कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पता नहीं है, मतलब कि कोरोना हैगा या, तो वो सीन के चक्कर में। और जो टिकटॉक है उसके ऊपर काफ़ी कुछ, मतलब कि क्या होता है कि टिकटॉक अपने हाथ में सारा कुछ रखता है, वो जिसको चाहे उसको पॉपुलर करेगा, जिसको चाहे उसको मतलब कि नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे कि कोई अच्छी वीडियो है ना तो उसको दबा देगा, ठीक है, कोई टिचकू सी वीडियो है उसको पॉपुलेटेड कर देगा, तो या फिर किसी अच्छे व्यूज़र का या जिसके 10 मिलियन है, जैसे क्या उसका नाम था, फरोज खान पता नहीं क्या था, कोई था जिसका चैनल 10 मिलियन थे और उसके ऐसे चुटकियों में चैनल डिलीट कर दिया, सोचो उसने 10 मिलियन के लिए कितनी मेहनत की होगी, ठीक है ना, तो फिर भी ऐसे डिलीट कर दिया चुटकियों में, तो कोई टिकटॉक का कोई स्टैंड नहीं है। जैसे चाइना चले तो 100 दिन, ना चले तो 2 दिन, 2 दिन क्या 2 घंटे, आधे घंटा, तो नहीं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस ये सीन है, और अभी बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।